आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जो आत्माओं को बचाने का कार्य किया करते थे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 5 मार्च को संपूर्ण कलीसिया क्रूस के संत योहन योसेफ का पर्व मनाती है। उनका जन्म 1654 में इटली में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में वे इटालियन सदस्य बने और उन्होंने बेनेडिक्टाइन संस्था में जाकर दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने अपना नाम क्रूस के संत योहन योसेफ रख लिया। उन्होंने अपना जीवन प्रार्थनामय प्रभु की भक्ति करते हुए एवं लोगों को प्रभु के पास लाने का कार्य करते हुए बिताया। वे अपने जीवन काल में मात्र 3 ही घंटे विश्राम किया करते थे। 1677 में उन्होंने आज्ञाकारिता के कठोर नियमों का पालन करते हुए पुरोहिता अभिषेक के लिए अपने आप को समर्पित किया। 24 वर्ष की उम्र में उन्हें नोविस मास्टर बना दिया गया। 1702 ईस्वी में उन्हें प्रोविंशियल बनाया गया। उनके सेवा कार्य में उन्होंने विशेष रूप से अपने लोगों के लिए कार्य किया, जिसके चलते लोग उन्हें आदरपूर्वक सम्मान दिया करते थे। लोग जब उनके हाथों को छूते थे तो वे चमत्कारिक तरह से चंगाई प्राप्त करते थे। वे लोगों के हृदयों को पढ़ लेते थे कि उनके हृदय में किस प्रकार की पीड़ा है, किस प्रकार की परेशानी है। उन्होंने विशेष रूप से सभी आत्माओं को बचाने का भी कार्य किया है। उनकी मृत्यु 5 मार्च 1734 में हुई। संत पिता ग्रेगरी सोल्वे ने 1839 में उन्हें संत की उपाधि से नवाजा। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस महान संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी लोगों के हित के लिए कार्य करें और अपने जीवन को पवित्र बनाकर लोगों की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करें।